हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा सेक्स टैबलेट सबसे बेस्ट होता है और क्यों, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा कौन सा टाइप का कॉन्डम पसंद आता है, अगर आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स टैबलेट का क्या काम होता है। आप चाहे कोई भी सेक्स टैबलेट ले रहे हो, सबका काम एक ही होता है और सभी टैबलेट एक ही तरह से बॉडी पर काम करती है। सेक्स टैबलेट लेने के बाद आपकी बॉडी में और पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और आपके पेनिस या लिंग में हार्ड इरेक्शन मिलता है, जिससे आप सेक्स का पूरा मज़ा ले पाते हैं। तो अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, आपका लिंग खड़ा नहीं होता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो ये सेक्स टैबलेट आपको इरेक्शन पाने में हेल्प करती है। इससे आप आसानी से संबंध बना पाते हैं और बेड पर लॉन्ग लास्ट भी रहते हैं। तो अब बात करते हैं कौन सा सेक्स टैबलेट बेस्ट होता है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कौन सा सेक्स टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में। सेक्स टैबलेट में व्याग्रा या सिंडेलाफिल, टेडेलाफिल, वर्डेनाफिल और एवेनाफिल अवेलेबल है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में ये सारे सेक्स टैबलेट मौजूद है जो पुरुषों में आए कमजोरी, लिंग में कठोरता ना आना की समस्या को दूर करते हैं। इन सारे सेक्स टैबलेट से पुरुष अपने लिंग में हार्ड इरेक्शन या तनाव पाते हैं और सेक्स को खुल के इंजॉय कर पाते हैं। तो इतनी तरह के सेक्स टैबलेट मौजूद है, सबका काम एक ही है बट टैबलेट लेने के तरीके में फ़र्क है और सबका असर बॉडी पर अलग अलग भी होता है। सबका असर बॉडी में अलग अलग दिनों तक मौजूद रहता है। किसी टैबलेट का असर एक दिन तक रहता है तो किसी टैबलेट का असर एक हफ्ते तक रहता है। किसी टैबलेट को लेने से उसका असर 15 मिनट में स्टार्ट हो सकता है और किसी टैबलेट को 2 से 3 घंटे लगते हैं बॉडी में असर करने के लिए। इन सारे टैबलेट के अपने अपने फ़ायदे हैं और सभी सेक्स टैबलेट आपके रिक्वायरमेंट, आपकी चॉइस और डॉक्टर रिकमेंडेशन पर डिपेंड करते हैं। तो किसी एक को बेस्ट करना मुश्किल है बट जानना ज़रूरी है, और साथ ही ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा सेक्स टैबलेट आपके सारे रिक्वायरमेंट में ईजिली फिट बैठता है। हम लोग सबसे पहले एकदम शॉर्ट में जान लेते हैं कि किस सेक्स टैबलेट का असर कितने देर तक बॉडी में रहता है और किस सेक्स टैबलेट को कितने देर पहले लेना होता है, ताकि आपको चॉइस करने में आसानी हो कि कौन सा बेस्ट है। सबसे पहले सिंडेला या व्याग्रा की बात करते हैं। सिंडेलाफिल या व्याग्रा टैबलेट को सेक्स करने के 1 से 1.5 घंटे पहले लिया जाता है और इस टैबलेट का असर बॉडी में 5 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है। अब बात करते हैं टेडेलाफिल टैबलेट की। टेडेलाफिल टैबलेट को सेक्स करने के 2 से 3 घंटे पहले लिया जाता है। इसके टैबलेट का असर पूरे बॉडी में 1 वीक तक रह सकता है। अब बात करते हैं वर्डेनाफिल टैबलेट की। वर्डेनाफिल टैबलेट को सेक्स करने के 1 से 1.5 घंटे पहले लिया जाता है। इस टैबलेट का भी असर 5 से 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है। अब बात करते हैं अवेनाफिल टैबलेट की। अवेनाफिल टैबलेट सबसे फास्ट एक्टिंग टैबलेट है। ये टैबलेट लेने के बाद आपके बॉडी में इसका असर मात्र 15 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। इस टैबलेट का असर बॉडी में 5 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है। तो आपने जान लिया किस टैबलेट को कब लेना है, कितने देर पहले लेना है और कब तक बॉडी में असर रहता है। तो अब मेन सवाल पर आते हैं कि कौन सा सेक्स टैबलेट बेस्ट होता है। इसका जवाब आपके पर्सनल चॉइस या पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड कर सकता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सेक्स टैबलेट व्याग्रा है। मेन कारण है लोग सबसे ज़्यादा इस टैबलेट को जानते हैं और व्याग्रा या सिंडेलाफिल टैबलेट कहीं भी ईजिली मिल जाता है। बट सबसे बेस्ट टैबलेट माने तो टेडेलाफिल है। टेडेलाफिल सबसे अच्छा बेनिफिट देता है। टेडेलाफिल टैबलेट का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इस टैबलेट को बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टैबलेट को आपको एक बार लेना होता है और इसका असर आपकी बॉडी में पूरे 1 हफ्ते तक रहता है। इस बीच आपको कोई और टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप कभी भी रेडी हो सकते हैं सेक्स के लिए। ये टैबलेट ईडी को क्योर करने में भी सबसे बेस्ट मानी जाती है। आजकल डॉक्टर टेडेलाफिल को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को। एक बात का और भी ध्यान रखिए कि टैबलेट का असर सबकी बॉडी में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी बॉडी एक तरह की नहीं होती है। किसी भी टैबलेट से नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होने पर अपने आप ठीक हो जाते हैं, अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
तो आपको पता चल गया होगा कौन सा टैबलेट बेस्ट होता है। यह आपके प्रेफरेंस और चॉइस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।